ओ इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ ओ ए इक्वल टू 1.8 मीटर, एन इज अ नेल वर्टिकली बिलो ओ वेयर ओ एन इज 0.9 मीटर, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस दैट इज 0.9 मीटर. द बॉब स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न टू ए आफ्टर कंप्लीट स्विंग, वॉट इज द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द स्विंग. अब देखो ये आपका बॉब पहले ए से बी पर जाएगा, फिर बी से सी, सी से बी और बी से ए. दिस इज द कंप्लीट वन ऑसिलेशन. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, ए से बी और बी से ए में जो लेंथ काम में आ रही है और बी से सी और सी से बी में जो लेंथ काम में आ रही है, दोनों में एग्जैक्टली हाफ का डिफरेंस है. क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी होगी 0.9 मीटर और ये वाली लेंथ कितनी होगी 1.8 मीटर. सो पहले मैं 1.8 मीटर का टाइम पीरियड लिखूँ टी, ये कितना आ जाएगा मेरा 2π√L/g. एल की जगह मैं क्या लिखूंगा 1.8. अब ध्यान से देखो ए से बी और बी से ए यानी T/4 + T/4 T/2 पता चल गया. मैं वापस लिख रहा हूँ, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी इट इज 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड. सो यू विल से 1/4 × 2π√L/g. वी विल से π/2√L/g. सो इट इज गिवन बाई, और दोनों जोड़ लो आप, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन फ्रॉम बी टू ए, इट इज गिवन बाई ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 × π/2√L/g मीन्स π√L की जगह क्या लिखोगे 1.8. ग्रेविटी 9.8 भी लिख सकते हो और 10 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू एंड यू विल कैलकुलेट दिस टाइम. अब देखो हम लोग निकालेंगे टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जाने में कितना टाइम लगा. अगेन यू विल से 1/4 ऑफ द न्यू टाइम पीरियड, उसको टी डैश लिख लो, यानी 1/4 × 2π, लेंथ चेंज हो जाएगी L/g. सो वी विल से इट इज गिवन बाई π/2√L/g. सो टोटल टाइम लिखोगे आप बी टू सी जाने का प्लस सी टू बी जाने का ट्वाइस ऑफ दिस टाइम पीरियड, यानी 2 × π/2√L/g. यू विल से इट इज π√L/. अब लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ, बिकॉज 0.9 पे नेल लगी हुई आपकी, तो इट इज 0.9/9.8. दिस इज द वन टाइम. इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, दोनों को सम करोगे, आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज 2.28 सेकेंड. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम.